शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। लोबो, हाँ बोलो। लोबो मैं एक मुसीबत में फंस गया। आई नीड योर हेल्प। पीटर, लोबो हेल्प नहीं, काम करने की कीमत लेता है। व्हाटएवर यू से हेल्प पे। लेट्स गो, लेट्स गो। लोबो, मैंने कहा आदमी को मार दिया, मुझे उसकी लाश ठिकाने लगानी है। मर्डर, पुलिस का केस, लोबो हाथ नहीं डालेगा। लोबो, आई नो यू कैन डू इट माय फ्रेंड, प्लीज डू इट, आई विल पे यू मोर देन व्हाट यू कैन थिंक। प्लीज टेक मी आउट ऑफ दिस। ओके, कैश और डेड बॉडी दोनों ले आओ। ओके, लोबो हेल्प करने के लिए मान गया। हाँ, वो उसकी लाश ठिकाने लगा देगा। लेट्स गो, चलो। तिवारी, कुछ देखा तूने? देखा, बहुत कुछ देखा। क्या देखा? कुछ नहीं देखा। गुड। अच्छा, ये लो पैसे, कमरा साफ कर देना, खून का एक भी स्पॉट दिखना नहीं चाहिए। दिखेगा। हाँ, किसी को कुछ नहीं दिखेगा। लीजा, कम ऑन। हाँ, क्या हुआ?
हमारी मदद करेगा। वो लोबो है, वो यश की लाश ठिकाने लगाने में हमारी हेल्प करेगा। पीटर, वो जिंदा है। शट अप लीजा। पीटर डोंट डू दिस। तुम चुप रहो। पीटर मेरी बात सुनो, मुझ पे भरोसा करो। मैंने देखा उसकी आंखें खुली थी। पीटर प्लीज, वो जिंदा है। लोबो, इसे अच्छी तरह से दफना दो। पीटर ये ठीक नहीं है, मैंने देखा इसकी आंखें हिल रही थी। लीजा होश पीटर में आओ। वो जिंदा है। लीजा होश में आओ। हाँ, इसने हमारे सामने दम तोड़ा है। क्या बात कर रही हो तुम? चलो लेट्स गो पीटर, लेट्स गो लीजा, कम ऑन, लेट्स गो लीजा। मैंने बोला वो मर चुका है। चलो करें। तुम्हारे नाम पे जितनी प्रॉपर्टी है उसे बेचकर इंडिया चले जाएंगे। ना यश की याद रहेगी ना उसका डर। बट इतनी जल्दी बायर्स मिलेंगे कहां? डोंट वरी, मैं एक स्ट्रीट एजेंट को जानता हूं, उससे बात करता हूं। चाबी मिली क्या? नहीं, अब यहाँ भी नहीं है। कहाँ रखती? तिवारी, तिवारी, ढूंढ रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं? सेफ की चाबी देखी क्या? कब्र में है। हाँ? कब्र में? कोट। क्या मतलब? सेफ की चाबी सर हमेशा कोट की जेब में रखते थे। लोबो, 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 अब क्या है? जल्दी करो, कम ऑन। लीजा, संभालो अपने आप को। हाँ, कम ऑन पीटर, फास्ट पीटर, जल्दी करो। नहीं मिल रही है। Do it fast. Okay, let's go. Peter, पुलिस यहाँ राउंड लगा रही है। दोबारा यहाँ मत आना। Good night. Okay. चलो लीजा, चलो। Come on.
यश की कार। Let's go. Come on. C'est dur, c'est vraiment très très dur. Ça va vraiment pas, c'est vraiment très très dur. Make it fast. Je vais essayer, je vais essayer. Ok, ok, je vais essayer. क्या कर रहे हैं यार? Doucement, doucement, je vais essayer. Oh, c'est fait. Enfin, on a réussi. Thank you. Merci. Yeah? Mon argent. Yeah, yeah, yeah. There you go. Thank you. Let's check. One minute. Wow. राजेश, ऑफिस आर में ये सब अच्छा नहीं लगता। टेंशन मत लो बेबी, इट्स माय ऑफिस। नो प्लीज। यू पीटर, आपसे फोन पे बात हुई थी। या टेक अ सीट प्लीज। थैंक यू। ये उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जिसकी बात हुई थी। डॉक्यूमेंट्स तो सही हैं, करीब 10 मिलियन की प्रॉपर्टी हो गई है, पर आप तो जानते हैं कि रियल एस्टेट का मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। एक्चुअली हमें जल्दी है, 7 to 8 मिलेगा तो भी चलेगा। वो क्या है, हमें 50% कैश चाहिए, बाकी बैंक ट्रांसफर करने से भी चलेगा। देखिए, हमारा वीजा एक्चुअली एक्सपायर होने वाला है और यू नो, दोबारा वीजा के लिए अप्लाई करना, डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेलिटीज, बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा जल्दी है। देखिए, एक तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये, ऊपर से इसे जल्दी सेल करनी है और आपको कैश कंपोनेंट भी ज़्यादा चाहिए, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आप अपना ब्रोकरेज डबल ले लीजिए, बट प्लीज़ हमें इस प्रॉब्लम से निकाल दीजिए प्लीज़। ओके, समझिए आपका काम हो गया, द डील इज डन, 2 दिन में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। यू आर वेलकम। प्लेजर। कम। देखा क्या हुआ? पीटर, क्या हुआ? वहां देखा। कहां? वहां। क्या बकवास कर रही हो तुम? कोई भी नहीं। लीजा कहां है? हाँ, मेरा विश्वास करो, वो वहीं था। लीजा, लगता है तुम्हारे दिमाग से अभी तक यश का भूत नहीं उतरा। हाँ, मेरा विश्वास करो, मैंने देखा था। He's dead, मर चुका है वो। हाँ, उसे अब अपने दिल से निकाल दो, ठीक है? चले। में होती हो ना तो और ब्यूटीफुल लगती हो। डैम हॉट, इतनी हॉट कि जिससे पूरे स्विट्जरलैंड की स्नो पिघल जाए।
सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। तो आप कितने लेंगे? चीनी कितने लेंगे मिस्टर पीटर? तिवारी, इन्हें जानते हो? ऑफ कोर्स, ये हैं द ग्रेट फोटोग्राफर और आपके खास दोस्त। नहीं, ये मेरे हैं, इंडिया से घूमने आए हैं, अब से यही याद रखना, ठीक है? रखूंगा, इन्हें बरोबर याद रखूंगा। Hey guys, please. Don't worry, ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं। Good morning, Lisa. Good morning, sir. Hello. Hi. Hello, sir. Hello, Tiwari. How are you? सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब ठीक। माफ करना दोस्त, सब ठीक नहीं है, चेहरे पर शिकन है। मर्डर किया है। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैंने मर्डर किया है। इंटरेस्टिंग। चलो चाय नहीं पिलाओगे? नहीं, कैसे कह सकता हूँ नहीं, आपके दोस्त का घर है, आपका घर है। <It's too bad>. अच्छी चाय पिलाना हिंदुस्तानी। जी सर। पीटर, मिस्टर पीटर, यस, ये मेरे हैं, इंडिया से आए हैं। हाउ आर यू मिस्टर पीटर, एंजॉयिंग स्विट्जरलैंड? यस सर, या एंजॉयिंग। ओके, बेटर बेटर। दो तीन दिन से यश को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ही इज नॉट पिकिंग अप द फोन। वेयर इज ही? इज ही स्टिल स्लीपिंग? नहीं, वो एक्चुअली ही इज आउट ऑफ टाउन 15 days ke liye. Oh, but I've seen his car last night near Lobo's house. Wo actually mere friend ki death anniversary thi, to hum kabristan gaye the. Wo Yash nahi, Peter the. Yes. Oh, itni raat ko. Wo darasal main bhool gayi thi. Raat ko yaad aaya to chali gayi. Lagta hai bahut kareebi dost thi. But he is not picking up my phone. Why? आपसे तो बात होती होगी ना? हाँ होती होगी ना।
ओके, वाइफ से रोमांस, दोस्त को अवॉइड। एक काम करो, अपने फोन से उसको फोन लगाओ, वाइफ का फोन तो उठाई गई। ऑफ कोर्स। और हाँ, स्पीकर मोड पर रखना उसको, जैसे ही फोन उठाएगा बैंड बजा दूंगा उसकी। श्योर। साला शादी करते ही दोस्त को भूल गया। उठाएगा, डोंट वरी, उठाएगा। नहीं उठा रहा है। Genuinely busy है। मैं सोच रहा था शायद वाइफ का फोन उठाएगा। एक काम करो, SMS करो कि इंस्पेक्टर शिवा wants to talk urgently। सी आया, शायद उसी का है। सी सी ओके ओके राइट, चलो मैं निकलता हूँ, मेरा काम हो गया। सी यू मिस्टर पीटर। या खड़ा था। कोई नहीं है। वो था, हाँ? उसका चेहरा। पीटर, मुझे बहुत डर लग रहा है। आओ देखते हैं, देखते हैं। हाँ? कुछ नहीं है, आओ आओ, कुछ नहीं है लीजा, कम है कुछ नहीं ना पीटर, मैंने कहा था ऊपर कुछ है। मैं देखता हूँ, ठीक है, रिलैक्स, कुछ नहीं है, ठीक है। क्या? मैंने कुछ देखा। कहा? अभी देखा। ना कम, और कुछ भी नहीं है, इतना सोचना बंद करो, कुछ भी नहीं है। लाइटर, मैंने बोला था ना वो आ गया, बोला था ना, यश इज बैक।
लीजा कम ऑन, मरने वाले कभी वापस नहीं आते। हाँ अब तुम यश को भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? हम लोगों ने यश को दफनाया था ना, तो फिर वो हमारे एसएमएस का जवाब कैसे दे सकता है? लिखा था ही इज कमिंग बैक पीटर, वो वापस आएगा। मैं मरना नहीं चाहती। तुम नहीं मरोगी लीजा, मैं तुम्हें मरने दूंगा क्या? हाँ मुझे झूठी तसल्ली मत दो, मैं जानती हूँ कि क्या जानती हो? हाँ क्या जानती हो लीजा, कि कोई आत्मा आएगी और तुमसे बदला लेगी। कम ऑन चेयर अप, तुम्हें क्या लगता है उसकी आत्मा आएगी और तुमसे बदला लेगी? देखो टेंशन ले लेके तुमने अपने चेहरे का क्या हाल बना लिया है। हैव दिस, हैव इट, ये देखो। कितनी खूबसूरत लगा करती थी तुम, जो भी देखता था पागल हो जाता था पागल। We got some amazing pictures. Here. Do you like it? Mm, that's good. Thank you. Pleasure. Yeah. Thank you. Thank you. Come. तो मेरी फोटोज कैसी लगी? Hot. तुम थी ना, वरना cool. अब फोटो सेशन खत्म हो गया है, तो क्या प्रोग्राम है? Zurich holiday. 8 to 10 is वहीं रहूंगी। You are lucky. अपनी जिंदगी तो बिजनेस सेटअप करने में ही लग गई। बैंक बैलेंस तो बढ़ गया लेकिन दिल खाली रह गया। सोचता हूँ कि शादी करके सेटल हो जाऊं। आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी एक बंधन है, एक कमिटमेंट है। मैं शादी करके अपनी जिंदगी बनाना चाहती हूँ, बदलना नहीं। और ऐसा लड़का मिलना जरा मुश्किल है जिसकी सोच मेरी सोच से मिले। और मिल गया तो मैं फटाफट शादी कर लूंगी। क्या हुआ, मुझसे शादी करोगी? तुमने जवाब नहीं दिया। वो क्या है कि यश, मुझे कोई जल्दी नहीं। टेक योर टाइम, जस्ट वन थिंग, मुझसे शादी करके तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें वैसे ही अपनाऊंगा जैसे तुम हो। जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा।
सांस में मैं ही आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, ये वादा है मेरा, मैं जरूर के अंदर घुस गया। आप क्या करें? देखो पहले तुम घबराना बंद करो, तुम घबराओगी तो सबको डाउट हो जाएगा। हाँ चलो अंदर चलते हैं। यश की गैर मौजूदगी में चाबी वाला क्यों आया था? वो लेने आया था। क्या लेने आया था? टूल वापस लेने आया था, भूल गया था घर में। डुप्लीकेट चाबी बनवाई गई है? हाँ। इरादे तो नेक है ना तिवारी जी? चाबी वाले को लीजा ने बुलाया था। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी अर्जेंटली, और कि यश के पास थी तो। ओह आई सी, तुम्हें मालूम था या तुमने यश को फोन किया? जी मैं कुछ समझी नहीं। चाबी के बारे में? हाँ मैंने फोन किया था, उनके कहने पर ही की मेकर को बुलाया था। बुलशिट, बीवी को फोन करने का टाइम है उसके पास, दोस्त को फोन करने का टाइम नहीं है। मैंने आपके बारे में बताया था, उन्होंने कहा आपको फोन कर लेंगे। अच्छा हाँ ओके, आई विल वेट, चलता हूँ मैं, बाय बाय। ये पुलिस वाला ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे से कोई लीड मिली है? और लीड मिलेगी कहाँ से? हम चारों के अलावा ये कोई नहीं जानता। तुम बोलोगे नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, तो फिर बचे तिवारी और लोबो। पीटर, इंस्पेक्टर का फोन है। इंस्पेक्टर ने जीना हराम कर दिया है, देखो क्या बोलता है। हेलो सॉरी इस वक्त तुमको डिस्टर्ब किया, दरअसल तुमको थैंक यू कहने के लिए फोन किया है। थैंक यू? यश ने मुझे फोन किया। मैंने बहुत झगड़ा, बहुत नाराज हुआ, बहुत सुनाया। जब उसने कई बार सॉरी बोला तब जाके मैं माना। हेलो हेलो लीजा, सुन रही हूँ ना? हाँ। उसने कहा कि वो बहुत जल्द आने वाले हैं, साथ में कॉफी पियेंगे। ओके बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। लीजा क्या बोला वो? हाँ यश, यश से बात की उसने। ये इंस्पेक्टर जरूर झूठ बोल रहा है, इसकी इसमें कुछ चाल है। हुँ? ये सब जानबूझ के कर रहा है, ये जब भी घर पे आता था तुम्हें घूरता रहता था, मुझे पक्का पता है इसकी नीयत खराब है। शिव बैठो, क्या पियोगे? कॉफी अपने वाली। लीजा लीजा चलो मैं बना के लेके आता हूं। ओके ये लो शिवा गर्मा गर्म कॉफी। या हाय यश, हाय। आई थिंक यस, मुझे
जाना चाहिए। चलता हूँ मैं। बाय। ये क्या पहन रखा है? ये तुम्हारा स्टूडियो नहीं है। क्या पहन रखा है मतलब? What do you mean? यश, तुमने मुझे बुरके में देखकर पसंद नहीं किया है और ऐसी छोटी छोटी बातों पे मुझे आर्ग्यूमेंट करना पसंद नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये शादी करके तुम पछता रहे हो, then leave me. Whatever. Rubbish. बेचारा कितना मजबूर है, तरस रहा है किसी खूबसूरत गले के लिए। खूबसूरत है लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। तुम इसे पहनोगी तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। मुझसे बात मत करो, अपने दोस्त के लिए कितना कुछ नहीं सुनाया मुझे। ओके, आई एम सॉरी, मैंने जो जुर्म किया है उसका जुर्माना भी तो लेके आया हूँ। अब तो माफ कर दो, देखो कितना खूबसूरत है। मुझे मनाना बहुत अच्छी तरह से आता है ना आपको। कॉशन है ना? नहीं। तो फिर भूल जाओ। मूड मत खराब करो। आपके मूड के लिए मैं अपना फिगर नहीं खराब कर सकती। एक दिन से कुछ नहीं होगा। एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है, हट जाओ। कहाँ जा रही हो लीजा? लीजा छोड़ दो, जस्ट लीव मी। मेरी भूल थी कि मैंने तुमसे शादी की। एड वर्ल्ड में कितनी डिमांड है मेरी पता है? मॉडलिंग इज माय लाइफ और तुम मेरी जिंदगी छीन रहे हो। मॉडलिंग इज योर लाइफ और मैं? लीजा, जितनी तुम खूबसूरत हो ना उतनी ही गंदी तुम्हारी सोच है। उतनी गंदी मेरी सोच है तो हाथ क्यों लगाते हो मुझे? हाँ? Just leave me. लीजा, सुनो मेरी बात। इस बात को मत बढ़ाओ, ओके? I really love you. I don't care. लीजा! लीजा, कूल डाउन। नहीं। तुमने अपने करियर के पीक टाइम पर शादी करके बहुत बड़ी गलती की। यार मैं तुम्हें सुपर मॉडल बनाना चाहता था। पाप बनने का भूत सवार हो गया उसे। मैं अपने फिगर और करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। डिवोर्स दे दूंगी उसे। यार क्या बोल रही हो? तुम हर बार जल्दबाजी में डिसीजन लेके गलती करती हो। पहले शादी और अब डिवोर्स। तो क्या करूं? सोचा था यश के पैसों से एड एजेंसी खोलूंगी, इसलिए शादी की। एड एजेंसी? वो तुम्हें बच्चा पैदा करके ममता डेयरी बनाना चाहता है। मैंने पहले ही बोला था मुझसे शादी करो, दोनों मिलकर एड वर्ल्ड पर राज करेंगे। ये कैमरे के सिवा है क्या तुम्हारे पास? खुद तो स्ट्रगल कर रहे हो। कल काम नहीं रहेगा तो मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन एन एस्कॉर्ट सर्विस, ओके? लीजा, सबको पता चल गया तुम्हारी शादी हो गई है। देखो स्ट्रगल और मुश्किल होगा। कुछ भी हो मैं यश के साथ नहीं रह सकती। अरे मत रहो, मगर जो तुमने अपने 6 महीने और अपनी ब्यूटी उस पर लुटाई है, ही हैज टू पे इट बैक। कैसे? उसका भरोसा जीतो, उससे प्यार करो, उसकी जायदाद में से इतना हिस्सा अपने नाम कर लो कि बाकी का स्ट्रगल आसान हो जाए। माया पलट देती काया लीजा, माया पलट देती काया। कितना काम करोगे? मुझे काम करने दो प्लीज। अच्छा जी, इतना गुस्सा? इस गुस्से को मैं 1 मिनट में पिघला दूंगी। बस यही आकर तू मुझे मात दे देती हो। I love you too much. मैं जानती हूँ तुम्हें बच्चा चाहिए, बस मुझे 6 महीने का टाइम दे दो। इट्स ओके। आई लव यू।
क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत बुरा सपना देखा। लीजा, तुम इतना सोचना बंद कर दो। हाँ, 29 नवंबर तुम्हारा बर्थडे। वाव, तुम्हें याद है? तुम्हें पाने के लिए मैं अपने आप को भूल गया, लेकिन तुम्हारा बर्थडे नहीं भूला। बोलो, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? जो तुम्हें अच्छा लगे। Then you're in for a huge surprise. Seriously? Yeah. Wow! What a beautiful house! किसका है? एक हफ्ते पहले किसी एल्बर्ट डिकोस्टा का था। और अब? अब किसका है? अब सुना है किसी आशिक हस्बैंड ने उसकी हॉट एंड सेक्सी वाइफ को उसके बर्थडे पे ये बंगला गिफ्ट किया है। और कौन है वो लकी वाइफ? तुम। हाँ? Are you serious? Thank you. नींद बहन के आँखों में तेरी सुबह तलक मैं सोता रहूँगा, करवट जब भी बदलोगे तुम हर करवट पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जा रहे हो, वो भी 15 दिन। जल्दी वापस आ जाना ना। जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा, वो भी एक सरप्राइज के साथ। फिर से सरप्राइज? तुम सरप्राइज बहुत देते हो। क्या है सरप्राइज? बता दिया तो फिर सरप्राइज ही क्या? ये क्यों? ये तुम्हारी किस्मत पे मेरी मोहर है। और ये? ये तुम्हारी मोहब्बत पे मेरी मोहर है। और ये? ये तुम्हारे प्यार पे मेरी और सिर्फ मेरी मोहर। चलो। कम सुन। इसलिए नहीं गिफ्ट किया कि तुम सिगरेट पियो, बल्कि इसका म्यूजिक तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी। सरप्राइज देने आया था। Thank you.
तुमने क्या किया? अभी तो सब 2 बजे हैं। आपका टोकन रेडी है, मैं आपको फोन करूंगा, आप आके डॉक्यूमेंट साइन कर देना और बाकी का बैलेंस अमाउंट कलेक्ट कर लेना, पर हाँ डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर आइएगा। श्योर। ये बंगला यश मल्होत्रा तो रखा है ना? ये बंगला इनका है, ये यश मल्होत्रा की वाइफ है, यश मल्होत्रा ने इन्हें ये बंगला गिफ्ट में दिया था। वेरी गुड, यू आर रियली लकी। बंगला आपको गिफ्ट में दिया यानी कि आपके पति आपसे बहुत प्यार करते थे। एनीवेज भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। अरे मिस्टर राजेश, यश मल्होत्रा अभी जिंदा है। ओ आई एम सॉरी, मुझे लगा अब वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि आपने अभी कहा कि बंगला गिफ्ट में दिया था। एनीवेज अभी वो कहाँ है? बिजनेस के सिलसिले में US गए हैं। वापस तो आएंगे ना? कैसी बात कर रहे हैं आप, ऑफ कोर्स वापस आएंगे। डोंट गेट एंग्री, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देखिए मिस्टर राजेश, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डील कैंसिल कर सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे अक्सर प्रॉब्लम वाली डील करने में ज्यादा मजा आता है, क्या ना कि पैसे अच्छे मिलते हैं। योर टोकन इज रेडी, एंजॉय। तुझको बसाया जब से मुझने खुद को भुला दिया, तेरा ही हर पल छाया है ऐसे मैं तेरा हो गया, कि तू ही मेरा जग सारा हाँ तेरा ख्याल है जाना, दूर कभी ना तू ना
इतना सोचना बंद करो, हाँ कुछ नहीं है, जस्ट अ सेकंड। हेलो पीटर, पीटर मैं लोबो बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज सेव मी ब्रो, वो मुझे मार देगा, पीटर पीटर वो मुझे मार देगा। लीजा कुछ नहीं है, हाँ मैं आता हूँ, ओके रिलैक्स, कुछ भी नहीं है, मैं आता हूँ, हाँ आई जस्ट कम, ओके।
पीटर, पीटर, यश हमें मार डालेगा, उसकी आत्मा इस घर में हर तरफ है, मुझे यहाँ से दूर ले चलो, प्लीज पीटर, मुझे बचा लो प्लीज। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं ट्रेवल एजेंट से बात करता हूँ, कल ही यहाँ से निकल जाएंगे, हाँ? कल तक हम जिंदा रहे तब ना, मैं जा रही हूँ। लीजा, लीजा। वो दोनों तो गए, क्या क्या हो रहा है इस घर में पता नहीं, नहीं छोड़ेंगे वो, यस सर उन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सारे पैसे और कहने का आ गए। नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। ये सर की आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। मैं जा रहा हूँ, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। अब ये नाटक बंद करो और साफ साफ कहो सेफ के सारे पैसे और कहने का आ गए। अरे मुझे क्या पता? झूठ बोल रहे हो तुम। सारे पैसे चुरा लिए इसलिए तुम जा रहे हो। मैंने पैसे चुराए? मैंने पैसे चुराए? पुलिस को बुलाओ, बुलाओ पुलिस को, वो बताएगी किसने पैसे चुराए और यस सर के बारे में भी वो बताएगी। तिवारी, तिवारी अगर पुलिस तक बात पहुंची तो हम तीनों जेल में होंगे। हाँ और लीजा तुम समझने की कोशिश करो, रात काफी हो गई है, सुबह बात करेंगे। नहीं नहीं बुलाइए, पुलिस बुलाइए, बुलाइए पुलिस। तिवारी कल बात करेंगे, कल बात करेंगे। हाँ चलो लीजा तुम प्लीज समझने की कोशिश करो। हाँ हम कल निकलने का इंतजाम करेंगे, ठीक है चलो। क्या है सब? हाँ पीटर साहब मैं इस घर में अकेले नहीं रह सकता, आप लोग जहाँ जहाँ जाओगे मैं आपके साथ आऊंगा, यह सर की आत्मा है यहाँ। तिवारी दिन में आत्मा नहीं आती, हाँ उनके आने का वक्त रात में होता है। और हम जा तो रहे टिकट करवाने। झूठ, झूठ तो नहीं बोल रहे ना। अरे ये देखो, ये मेरा पासपोर्ट, लीजा का पासपोर्ट, अभी टिकट का इंतजाम करके आएंगे। मेरा मेरा पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट भी लीजिए, मेरा टिकट भी कराइए। ठीक है रिलैक्स, चलो आराम से। कहीं जा रहे हैं? लेने जा रहे हैं। कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं। पासपोर्ट के साथ एक बैड न्यूज है आपके लिए। बैड न्यूज? वो चाबी वाला, रात उसका मर्डर हो गया। गया? वो भी गया? चाबी वाले से मेरा क्या लेना देना? लेना देना नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं आता और ना उसे ये सब बातें कहता। मतलब? ये चाबी वाले का फोन। ये नंबर तुम्हारा है ना? तुम्हारा है ना? हाँ। आखिरी बार फोन उसने आपको किया और वो भी रात के 2 बजे। हेलो, जवाब नहीं आएगा, मैंने डायल किया है, ये लोबो का फोन है, रात उसका भी मर्डर हो गया। गया? वो भी गया? लोबो ने मरने से पहले अपने फोन से आखिरी बार तुमसे बात की और 2 मिनट बात हुई। क्या मैं जान सकता हूं कि रात के 1 बजे उसने तुमसे क्या बातें की? वो लोबो मेरा दोस्त था, उसने ऐसे ही फोन किया था। नहीं मिस्टर पीटर, कभी कोई बिना मोटिव के किसी को ऐसे फोन नहीं करता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोटिव होता जरूर है। मोटिव तलाश करके मैं वापस आऊंगा। मार्क माय वर्ड्स, कानून की आंखों में धूल झोंकना
इतना आसान नहीं है। पीटर मुझे डर लग रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? होगा हाँ? प्रॉब्लम होगा, टिकट का इंतजाम करो। समय राजेश का कत्ल हुआ उस समय आप कहाँ थी? सर मैं ऑफिस के काम से बाहर गई थी और जैसे मैं पहुंची मैंने देखा राजेश जी टेबल के नीचे पड़े हुए और उनकी गर्दन के बीच में नाइफ फंसा हुआ था। जब तुमने उनको देखा वो मर चुके थे? सर वो मर चुके थे और तभी मैंने आपको कॉल किया था। लोग तो शॉपिंग के लिए जाने वाले थे, यहाँ कैसे? ओह मैं तो भूल ही गया, शॉपिंग के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और पैसा यहाँ राजेश के यहाँ से मिलने वाला था। सर मैं समझा नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। मैं कोई पजल सॉल्व करने के लिए कह रहा हूँ। आप लोगों ने यश की गैर मौजूदगी में उसकी प्रॉपर्टी का सौदा कर लिया, टोकन भी ले लिया और आज पूरी पेमेंट लेने के लिए यहाँ आए हैं, है ना? खिसक गई ना जमीन पांव के नीचे से। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, सबूतों की रोशनी में बात करता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स राजेश की टेबल पर पड़े मिले, वो शायद आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। था? मर गया हा? या किसी ने उसे मार दिया। एक रात में तीन तीन मर्डर होते हैं, तीन तीन, और उनमें से हर एक का कनेक्शन किसी न किसी तरह से आप लोगों के साथ होता है। जुर्म चाहे दो कद जमीन के नीचे क्यों न दफन हो, एक ना एक दिन कब्र फाड़कर बेपर्दा होता जरूर है। मेरी इजाजत के बगैर आप लोग ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। गिव मी योर पासपोर्ट्स, कम ऑन, हरी अप। मार्क माय वर्ड्स, आप लोगों का मुझसे बच निकलना नामुमकिन है। गिद्ध की तरह पैनी नजर है आप लोगों पर। Close watch. सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अब हमारे पास पासपोर्ट भी नहीं है। अच्छा, पैसों के लालच में तुमने यश से शादी की? वो तो मैं था जो तुम्हें अब तक बचाता रहा, नहीं तो नेम और फेम के चक्कर में तुम कब बन गई होती। How dare you call me? You dirty scoundrel! To hell with your property and your money. I'm leaving you right now. Just leave me. I don't need you. Go. अच्छा। Go to hell. नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। ये हम दोनों को फंसाकर भाग जाना चाहता है। हाँ पीटर, तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। लीजा बैग छोड़ो प्लीज। लीजा मैंने कहा बैग छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे छोड़ के जा रहे थे? धोखा, मुकेश तिवारी के साथ धोखा? भाग रहे थे हैं? रुपए और गहने लेकर भाग रहे थे और आप मुझ पे शक कर रही थी? लीजा ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता ये से मेरे बैग में कैसे आया। लग गए पर लग गए, जो पैसे और गहने उड़कर बेड में आ गए। लीजा बिलीव मी, मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा? आई लव यू लीजा। हां यू से यू लव मी, झूठे बकार, यू चीटर, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। धोखेबाज।
उठो पीटर। ओह माय गॉड पीटर, पीटर उठो। गया, ये भी गया। अब पुलिस आएगी, आपको अरेस्ट करेगी। पुलिस ले जाएगी मुझे। मारा है? नहीं, आपने इसे मारा है। पीटर, मैंने इसे जानबूझ के नहीं मारा। मैं जेल ही जाना चाहती। तिवारी कुछ करो प्लीज। गाड़ देंगे, इसे भी गाड़ देंगे, वही गाड़ देंगे इसे भी। गई मुझे जिंदा दफना के जब तुम दोनों चले गए थे तब तिवारी ने मेरी जान बचाई। तुम तो तिजोरी का सारा पैसा लेके भागी जाती अगर इसने मेरा साथ नहीं दिया होता। था, मैं पहले से ही सर के साथ था, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मुझे डर था कि आप लोग मुझे भी ना मार डालो। मैंने सर के कहने पर तिजोरी में से पैसे और गहने निकालकर पीटर के बैग में रख दिए थे और मैंने रिवॉल्वर की असली गोली निकाल के नकली डाल दी थी ताकि मौका पाकर मैं तुम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर सकूं। इत्तेफाक से ब्रोकर राजेश को मैं पहले से जानता था। तुम लोगों से मिलने के बाद राजेश सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। यस सर, यश मल्होत्रा की जितनी प्रॉपर्टी की डीलिंग है वो मैं ही करता हूं और जहाँ तक मुझे पता है वो आउट ऑफ टाउन है और ये लोग उनके एब्सेंस में ये प्रॉपर्टी की डील करना चाहते हैं। सर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ब्रावो, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टिगेशन वैसे चल रहा है, आगे जो भी डेवलपमेंट हो प्लीज टेल मी। थैंक्स। थैंक यू सर। या उसके बाद मैं यश से मिला और सारी बात पता चली। मैं चाहता तो तुम दोनों को उसी वक्त अरेस्ट कर सकता था लेकिन यश ने मुझे रोक दिया। वो तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाना चाहता था। उसकी फीलिंग देखकर मैं रुक गया और उसके प्लान में शामिल हो गया। ये मेरा दोस्त है शिवा का। इतना आसान था क्या मर्डर कर देना और निकल जाना? मार्क माय वर्ड्स, ऐसा कभी नहीं हो सकता था। तुमने तो सोच लिया था कि मैं मर के आत्मा बन गया हूं, कमरे में भी हूं और बाहर भी, लोगों के साथ भी हूं और तुम्हें घर में डरा भी रहा हूं। एक आदमी एक ही वक्त पर दो जगह कैसे हो सकता है, यही सोच रही हो ना तुम? लीजा, उस दिन मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया था। जानती हो वो सरप्राइज क्या था? हर्ष। यश का जुड़वा भाई हर्ष, ये मुझे लेने के लिए यूएस आ रहा था लेकिन मैंने खुद यहां आकर इसे सरप्राइज दे दिया। हर्ष, मैं तुम्हें फोन करूंगा तब तू आना, मजा आएगा। ओके। इतनी देर कैसे लग सकती है?
यस सर। मैं यश का जुड़वा भाई हर्ष हूं। मार डाला सर को, मार डाला उन्होंने। क्या मतलब? उनकी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने, मगर मुझे लगता है सर जिंदा है। वायो बीटिंग में क्यों मार रहा है मुझे? वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने उसे सरप्राइज देके मार डाला। अगर मैं उस रात नहीं पहुंचता तो वो सचमुच मर गया होता। ये तो वो है जिसने तुम्हारी बेवफाई बर्दाश्त की। जी करता है तुम्हारा गला दबाकर यहीं तुम्हें दफना दूं। क्या कर रहा है हर्ष? छोड़ो छोड़ो। देखा, इसे कहते हैं प्यार। ये इडियट तुमसे अब भी प्यार करता है। लीजा, मैं तुम्हें इतना चाहता हूं कि प्रॉपर्टी के लिए मेरी जान लेने के बजाय मुझसे प्यार से मांगा होता तो मैं सुसाइड नोट के साथ तुम्हें दे देता। लेकिन अफसोस, तुमने मेरे प्यार को समझा नहीं और आज एक कातिल की तरह मेरे सामने खड़ी हो। यश, तुम्हें भले ही माफ कर दे, लेकिन माफ माय वर्ड्स, यहां का कानून पीटर के मर्डर के जुर्म में तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। You are under arrest. No, Shiva! Hey! Stop! Stop it! Lisa, keep the gun down! Gun niche rakho, Lisa! No! No! Try to understand. No. Give me the gun! Give me the gun! Lisa, kya kar rahi ho? Lisa! Lisa, I love you, Lisa! I love you! Lisa, ruk jao! Lisa, I love you, Lisa! Lisa! I love you! Sorry, Ash. I love you too. तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। रुक जा, लीजा रुक जा। मैं तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाई। I'm sorry. Give me, नहीं। give me the gun. नहीं। Please, try to understand. लीजा, लीजा रुक जा, लीजा रुक जा। लीजा। तू ही